दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कवंड और कांपती धरती के लोग। ये कुर्कवंड की कॉमिक्स है और एक अच्छी सीरीज है, तो पढ़ते हैं इसको। एक दिन सुबह, जिया ओ जिया अब तो कुंडा खोल दो, आहा बो बो। जब बुखार किसी को होता है वो इसी तरह से भोंकता है, जिया ओ जिया अब तो कुंडा खोल दो बो बो बो। गाना गा रहा है, हा हा हा। ओ फाखरी है क्या बकवास है, यह सुबह सुबह किसी गधे ने रेडियो पर गंधर्व राग छोड़ दिया है, अजी सुनती हो काम मर गई तुम। तो ये जी क्या मुसीबत है, गई भैंस पानी में। जब दिमाग खराब किसी का होता है तो खुजली वाला कुत्ता बन जाता है, अजी मैं पूछता हूँ यह सुबह सुबह किसी गधे ने दिमाग खराब करने के लिए रेडियो खोल दिया है, अजी पहले अपने कानों की मिट्टी छटवाइए, वह यह रेडियो नहीं बज रहा बल्कि अपना अनोखे गा रहा है। आई अनोखे गा रहा है, जी हाँ वह एक ड्रामे की रिहर्सल कर रहा है जिसमें वह हीरो और उसे यही गाना गाना है, सत्यानाश। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, यही नाम उस ड्रामे का। इसमें हमारे अनोखे के साथ साथ उसका चेहरा मनमोजी और मोटू भी काम कर रहे हैं। मैं कहता बंद करो अपनी बेहुदा बकवास, आज मैं इस कमबख्त की अकल सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगा। उल्लगा पट्टा सुअर पाजी भिंडी का बीज हूँ बड़े आए, पता नहीं कैसे पिता जब बेटे की वजह से इन्हें नाम मिलता है तो बेटे की तारीफ करते नहीं थक अदाते, और वैसे इसकी कोई बात इन्हें पसंद नहीं आती। उधर जिया ओ जिया अब तो कुंडा, मैं पूछता हूँ ये सब क्या बकवास है। पिता की दाढ़ सुनकर कुर्बान चौक कर जैसे पटा कड़ा हाय मर गया। ओ डैडी, अरे डैडी आपका पीछे आकर खड़े हो गए थे, हाय जब से तू पैदा हुआ है तब से ही भगवान ने मुझे तेरे पीछे खड़े रहने पर मजबूर कर दिया है। आपको चोट तो नहीं लगी डैडी, डैडी के बच्चे मैं पूछता हूँ कि आखिर ये घर में है क्या बकवासबाजी हो रही है, और शायद आप ड्रामे की रिहर्सल के लिए कह रहे हैं। हाँ याद आया डैडी, ड्रामे में एक गुंडे का रोल भी है, उसके लिए अभी तक कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला है, क्या आप रोल करेंगे? सच आप गुंडे के रोल में खूब जचेंगे। खामोश बदतमीज लुच्चा गुंडा लफंगा कपूत नासपिटा सुअर, तो इंस्पेक्टर धमाका सिंह से गुंडे का रोल करने के लिए कहता है, मैं तो सिर फोड़ दूंगा। नहीं डैडी ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना कानून को हाथ में लेने के जुर्म में आपकी वर्दी उतर जाएगी और आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ बंद कर अपनी बकवास, ये ऐसे डैडी बाढ़ में जाता हूँ और ड्रामा में तेरे साथ और माथा नहीं मार सकता, वरना एक दिन तू मुझे पागल कर देगा। कम वक्त मुझे ड्रामे में गुंडे का रोल करने के लिए कहता, हनुमान बाबा का रोल करने के लिए कहता तो राम के रोल के लिए कहता, भोले बाबा का रोल करने के लिए कहता तो कोई बात थी, भला मैं गुंडे का रोल करूंगा। सुपरकार वाले केस में हल्दा धमाका सिंह को पदोन्नति कर इंस्पेक्टर बना दिया गया था। तो दोस्तों आपने कॉमिक्स पढ़ ली होगी सुपरकार, नहीं पढ़ी तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां कुर्कवंड का फोल्डर होगा प्ले लिस्ट के अंदर कुर्कवंड का फोल्डर, उसे मिल जाएगा आपको कॉमिक्स। तो पढ़ते वन भैया क्या फूफा जी चले गए? हाँ चले गए, लेकिन सारी रिहर्सल का गुड़ गोबर कर दिख कर गए। खैर तुम फटाफट अपने कपड़े पहन बदलो, हम ऑफिस में जाकर ही अपनी रिहर्सल पूरी करेंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद, लेडीज एंड जेंटलमैन अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कान खुजरे आवारा का लिखा मशहूर नाटक सत्यानाश। तड़ 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 सिगर स्टेज से पर्दा उठा और नाटक आरंभ हुआ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में नहीं हूँ, पीने का शौक तो मुझको पर पीने के लिए जेब में पैसे नहीं हो, हा हा हो। मेरे मन मंदिर के देवता, पीने के लिए पैसे मैं देती हूँ आपको। आह मेरी अमावस की चांद तुम आ गई, लीजिए मेरे देवता ये रुपये रख लीजिए और खूब जी भरकर दारू पीजिए। आह तुम कितनी अच्छी हो मेरी चांद, पता नहीं मेरे लिए दारू का प्रबंध करने के लिए तुम्हें किन किन गरीबों की पॉकेट मारनी पड़ी होगी। ओहो मेरे देवता आपके लिए मैं किसी की जेब तो क्या उसकी गर्दन तक काट सकती हूँ, हुक्म कीजिए मेरे देवता मैं आपके कदमों में किस बुज दिल की गर्दन पेश करूँ। आई गर्दन या डॉलर तो नाटक में नहीं था। तभी ए तो हम प्रेमिका के बीच में लकड़ा बनकर कहां से आ गया? अरे उठ भाई उठ, मेरी प्रेमिका को तेरे गर्दन की जरूरत नहीं है यार, यदि तेरा भी रोल इस ड्रामे में है तो भी तुझे इसमें मुर्दा बनने की जरूरत नहीं, जा बाद में आई हो। अबे यार अब तो सीधा खड़ा हो जा। फिर जैसे बॉन्ड उसे सीधा खड़ा किया अपने जमीन पर आ गिरा। आए खून
है खून, हाँ किसी ने इसका खून कर दिया है। अरे बाप रे, खून खून खून। लेकिन दर्शकों को समझ में एकाएक कुछ नहीं आया, वे तो उस दर्शक को भी नाटक आए की हिस्सा समझते रहे। बचाओ खून, अरे को जल्द से पुलिस को फोन करो। सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। लेकिन फिर है तो क्या सचमुच उस व्यक्ति का खून हो गया? अरे आओ देखते हैं। और जैसे दर्शकों को खून होने का विश्वास हुआ, खून खून भागो, सिगरी हॉल दर्शकों से खाली हो गया। अरे मैनेजर साहब, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए ना। ना भाई, मैं पुलिस पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ने वाला। मैं तो चला अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास। मैं भी भाई, मुझे तो इस लाश को देखकर जूडी का बुखारी याद चढ़ आया है। अरे अरे रुके, मेरी बात तो सुनिए। उप सब चले गए। अब क्या हुआ बोन्ड भैया? यही तो मैं सोच रहा हूँ मोटू, जरा देखो पूरे हाल में सन्नाटा है और स्टेज पर हम दोनों एक लाश के पास खड़े हैं। जब पुलिस यह देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी? सोचेगी तो बाद में बोन्ड भैया, पहले हमें फांसी पर चढ़ा देगी। मेरी बात मानो कुरुक बोन्ड भैया, और तुरंत यहां से भाग चलो। ठीक है, तो इसी में हमारी भलाई है, भागो। लेकिन जैसे वे हॉल के दरवाजे पर पहुंचे, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, सच मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है। विश्वास नहीं तो मोटू और मनमोजी से पूछ लीजिए। बोन्ड भैया ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम तीनों में से किसी ने उस व्यक्ति का खून नहीं किया है। बकवास बंद करो, खून करने के बाद हर खून यही कहता है। लेकिन चुप, चुपचाप मेरे साथ स्टेज पर चलो। जी, वो कितनी बेदर्दी से मारा है तुम लोग दोनों ने इसे, नाटक के सारे। लेकिन ड्रामे में इसका कोई रोल ही नहीं था इंस्पेक्टर साहब, इसका रोल तो नहीं था। लेकिन तुम दोनों का इस हत्या के ड्रामे में क्या रोल था, यह मैं तुमसे थाने में पूछूंगा। आज सत्यानाश यह नाटक तो हमारे गले में फांसी का फंदा बन गया। शीघ्र एम्बुलेंस और पुलिस फोटोग्राफर भी वहां पहुंच गए। मौके का मुआयना करने के बाद राम सिंह लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी साहब, और तुम दोनों मेरे साथ आओ। जी जल्दी, इंस्पेक्टर कुरुबंड और मोटू को लेकर थाने और की ओर रवाना हो गया। शुक्र है इंस्पेक्टर ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, मुझे तुरंत जाकर गुरुजी के पिताजी को सूचित करना चाहिए। कुछ देर बाद आई हुई माँ करण के झटके दे रहे इनको। अभी वक्त है, तुम दोनों सब कुछ सच सच बता दो कि वह व्यक्ति कौन था और तुमने उसका खून क्यों किया। आखिर आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते इंस्पेक्टर साहब? हम खूनी नहीं है। मेरा नाम कुरुक बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड का असली चेला। मेरा नाम आप अक्सर अखबारों में देखते होंगे, और यह मेरा चेला मोटू है, मोहन उर्फ मोटू। बको मत, मेरा पता तुम जैसे बहुत से बांड सांड से पड़ चुका है। यदि तुमने मुझे असलियत नहीं बताई तो मैं तुम गुरु चेले की खटिया खड़ी करके रख दूंगा। हाँ, यह नया इंस्पेक्टर तुम्हारी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और नए डैडी या कमीशन साहब को फोन करने दे रहा है। सोच क्या रहे हो, जल्दी से जवाब दो। जब आप हमारी सुनते नहीं तो मैं क्या खाक जवाब दूं? आपको जो जी माइक कीजिए। तभी साहब क्या बात है साहब, सदर चौकी के गए, सदर चौकी व लाल चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर धमाका सिंह व पटाका सिंह जी आपसे मिलने आए हैं। और तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद हेलो फ्रेंड्स, हेलो इंस्पेक्टर। कहो भाई, आज अचानक कैसे आना हुआ? यार मैंने सुना मेरा लड़का किसी खून के जुर्म में तुम्हारे थाने में बंद है। तुम्हारा लड़का, क्या नाम उसका? अनोखेलाल? नहीं भाई, इस नाम का तो कोई व्यक्ति मेरे लॉकअप में नहीं है। हो सकता है उसने तुम्हें अपना नाम कुरुकबंड बताया हो। हाँ, इस नाम का व्यक्ति जरूर मेरी हिरासत में है। अरे भाई, वही तो है मेरा नालायक बेटा। क्या कहा, वास्तव में तुम्हारा लड़का है? अरे भाई, 100% असली लड़का है। और फिर तो मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करे, वास्तव में बड़ी भूल की। मैं तो अब तक उसकी और उसके साथी की बहुत पिटाई कर चुका हूँ, सॉरी भाई। अरे भाई, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वे हैं ही पिटाई के योग्य। कम वक्तों को 1000 बार समझा था, उलझुल नाटकों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अरे यार, धमाका बेकार की बातें छोड़ो और उन्हें बुलवाओ। हाँ भाई, जरा जरा बुलवाना तो उन्हें। अभी लो, जाओ टॉर्चर रूम से उन दोनों कैदियों को ले आओ। जी साहब, धमाका सिंह कुरपन और मोटू को छुड़ाकर घर ले आया। लो भगवान, संभालो अपने इन नासपिटों को। लेकिन ध्यान रखना, आज से इन दोनों ने अपने कमरे से एक कदम कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई दूसरा नहीं होगा। अजी, आपसे बुरा पहले भी कोई हुआ है, जो अब होगा। धन्यवाद सत्यानाश। जाओ बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े और कॉफी लेकर आती हूँ। वाह, आप कितने अच्छे मम्मी।
कुरुबान मोटू के साथ अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कम वक्त इतने गफले करते रहते हैं, फिर भी इन्हें पीने को कॉफी और खाने को पकौड़े मिलते हैं, और एक मैं दिन भर गधे की तरह मेहनत करने पर भी पानी का एक गिलास तक नहीं मिलता। वो अपने कमरे में पहुंच गए। बंड भैया, थर्ड डिग्री के इस्तेमाल से मेरी तो एक एक हड्डी कीर्तन कर रही है, इसलिए मैं तो अब पढ़कर सोऊंगा। क्या कहा? अबे उल्लू की दुम, पुलिस की मार खाकर खाकर मैं तो खून खोल रहा है, और जी चाह रहा कि जल्दी से जल्दी असली खूनी को तलाश कर कानून के हवाले कर डालूं, ताकि इंस्पेक्टर चमकादड़ लाल कान पकड़कर एक टांग पर मेरे सामने खड़ा हो जाए और तुझे आराम करने की सूझ रही है, चल उठ। अरे रुको तो सही, बॉन्ड भैया मैं उठ रहा हूँ। इस खिंचातानी में कुर्कबान के की कोट की जेब से एक सिक्का निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। खन खन है, अरे अरे यह सिक्का मेरी जेब में कहां से आया, मेरा तो है नहीं। ओ यह तो सोने का सिक्का मालूम पड़ता है। सोने का सिक्का? हाँ, लेकिन इस यह हमारे देश का तो क्या, किसी भी देश का सिक्का नहीं हो सकता। इस पर पेड़ पहाड़ और सूर्य के साथ साथ किसी झरने का भी दृश्य है, और किसी भी देश स्थान आदि का नाम नहीं। जरा सिक्के को पलट कर तो देखना बॉन्ड भैया। और बॉन्ड ने जैसे जैसे सिक्के को पलटा है, कांपती धरती, कांपती धरती, शायद यह किसी अज्ञात देश का नाम है और उसी देश का यह सिक्का है। लेकिन बॉन्ड भैया, यह उस देश से अचानक तुम्हारी जेब में कैसे आ गया? यह बात तो मेरी भी समझ से बाहर है। जब से मैंने यह कपड़े पहने तब से तो मैं किसी गैर आदमी से मिला भी नहीं। जरा अपनी कोट की जेब एक बार फिर से चेक करो बॉन्ड भैया, और इस जेब में कुछ और भी है क्या? यह कागज का पुर्जा। ओह, कुर्कबॉन्ड ने कागज की तह खोली। कागज पर सिर्फ इतना ही लिखा था, मिस्टर कुर्कबॉन्ड नमस्कार, कांपती धरती के लोग खतरे में, कृपया हमारी मदद करो, आपका आभारी जेएक्स। जेएक्स, लेकिन इस व्यक्ति ने यह पुर्जा और सिक्का तुम्हारे जेब में कब डाला? ठहरो मुझे सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद, ओ अब मैं समझा, यह सिक्का और पुर्जा जरूर उसी व्यक्ति ने मरने से पहले मेरी जेब में डाला हुआ जिसका नाटक में खून हुआ था, लेकिन वह तो मर्त अवस्था में तुम्हारे ऊपर गिरा था। यह भी तो हो सकता कि मेरे ऊपर गिरते समय वह जीवित रहा हो और बाद में उसका दम निकला हो। हाँ यह हो सकता है, लेकिन बॉन्ड भैया पत्र लिखने वाले ने अपना अता पता तो कुछ दिया ही नहीं, फिर इससे संबंध स्थापित कैसे करें? और नहीं, हमें यह मालूम है कि यह कांपती धरती पृथ्वी पर कौन सी दिशा और कौन से स्थान पर स्थित है। मुझे विश्वास है कि जिस किसी ने भी यह पत्र मुझ तक पहुंचाया है वह स्वयं ही मुझसे फिर संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। फिर अब क्या करने का विचार है? तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम घूमने चलेंगे। क्या इस समय? अभी हाथी के बच्चे भी सांझ भी नहीं हुई है और तुम इस तरह डर रहे हो जैसे आधी रात से भी ज्यादा समय हो गया है। देखो बॉन्ड भैया, तुम मुझे चाहे जो मर्जी कह लिया करो, लेकिन हाथी का बच्चा मत कहा करो। क्यों? मुझे शर्म लगती है क्योंकि मेरे पिताजी हैं नहीं, तुम्हारे मामा जी तो बेचारे बकरी हैं, फिर भला मैं हाथी का बच्चा कैसे हो सकता हूँ। आई कुछ देर बाद, मिस्टर ओल्डोल न्यू मार्केट चलो। ओके मास्टर। कार चल पड़ी। तभी रुको कम भक्तो, अब तुम दोनों फिर मेरी नाक कटवाने जहां जा रहे हो? लेकिन कुर्कबॉन्ड ने अपने पिता की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। नालायक सूर गधा उल्लू का पट्ठा, बाप की बात पर ध्यान ही नहीं देता। अजय बंद भी कीजिए, क्वेश्चन हर समय क्यों अपने आप ही गालियां देते रहते हो? बको मत वह नालायक, तुम्हारे ही सह पर तो इतना सिर चढ़ गया है। सुनो बागवानी, समय तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना यदि तुम्हारे लाडले ने फिर कोई हिमाकत की तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को तुम्हारे मायके का रास्ता दिखा दूंगा। नाक पे दम कर रखा इन दोनों माँ बेटे ने। हूँ बढ़िया, मायके का रास्ता दिखाने वाले, मैं ही इन्हें इनके स्वर्गवासी पिता का घर न दिखा दूंगी। कुर्कबॉन्ड की जेब में सोने का कांसे और कागज से पुर्चा लिखने वाला कौन था? उसका खून किसने किया? कांपती धरती कहाँ थी और उसके वासी किस खतरे में फंसे हुए थे? तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इनको पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जिसका नाम है कुर्कबॉन्ड और सोने का सिक्का। दोस्तों अगर आपके कॉमिक्स अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जहाँ पर मैं थोड़ा सा अटकता हूँ वहाँ पर आप प्लीज समझ में नहीं आए तो वहाँ पढ़ लेना, और मेरी आवाज़ काफ़ी हद तक सही होती जा रही है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाता रहूँगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं सोने के सिक्के।